हेलो, कैसे हो तुम सब? और मुझे जहाँ तक लगता है इस टाइम पर अभी अपन लाइव जाते हैं जनरली, तो शायद तक बहुत कम लोग लाइव आएंगे या शायद कोई आए नहीं। ये बड़ा अजीब सा टाइम है, लेकिन हुआ क्या है, ये भले ही लाइव चैट करने के लिए, लाइव जाने के लिए बहुत ही अजीब सा, बहुत ही वियर्ड सा टाइमिंग है। जनरली अपन इस टाइम पे कभी लाइव नहीं मिलते हैं, अपन हमेशा सुपर संडे विद एमजी पे रात को 9 बजे अराउंड मिलते हैं। पर फिर भी आज ये लाइव चैट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मेरे लिए, क्योंकि जैसे तुम सबको जो भी देख रहे हैं और जो भी अभी देख रहे हैं और जो भी, क्या बात है यार, भाविन सोलंकी कह रहे हैं हाय, प्रिंस लुकमान कह रहे हैं हे, भाविन सोलंकी कह रहे हैं हाउ आर यू, मैं एकदम अच्छा हूँ भाविन, साहिल कौसर कह रहे हैं हाय हाय, चिराग पटेल हाय, मनीषा बंसल, तो अच्छा लग रहा है तुम सबको भी लाइव देख के। और तो ये जो वीडियो है, इसका तुमने कैप्शन पढ़ा होगा, बड़ा स्ट्रेंज सा कैप्शन है कि एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना तुम सबको। पता नहीं तुम सबको पता है नहीं पता है, लेकिन अपना अराउंड एक हफ्ते पहले 15 नवंबर को पेज गायब हो गया था, डिसअपेयर। मतलब ना वो फेसबुक पर कहीं भी था, ना मैं देख रहा था, मेरे चेक कर रहा था मेरे मोबाइल में, जो जिस एप्लीकेशन से मैं फेसबुक मैनेज करता हूँ अपना, वो तक में मेरा पेज नहीं था कहीं भी, अपना पेज कहीं भी नहीं था, सब जगह से मतलब वो एकदम से गायब हो गया, डिसअपेयर हो गया। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि मोहित भाई क्या हुआ, क्या है यार, पेज को एकदम से गायब कैसे हो गया, आपका पेज कहीं नहीं दिख रहा है। सब टेंशन में आ गए थे, सब सबको मैं कह रहा था कि सब ठीक हो जाएगा, पर मुझे खुद को नहीं पता था कि यार पेज को हुआ क्या है, एक्चुअली में हो क्या रहा है, पेज एकदम से गायब कैसे हो गया है। और एक हफ्ता हो गया इसको और अपना पेज कल रात को वापस से रिकवर हुआ है। तो मैं बस ये वीडियो, मैंने सोचा था कि जैसे ही जब भी पेज रिकवर होगा ना, तो मैं तुम सबको बताऊंगा कि पेज को हुआ क्या था। और मुझे भी एक्चुअली में 2 दिन पहले ही पता चला कि पेज को क्यों, पेज अपना एकदम से डिसअपियर हो गया फेसबुक से और कैसे वापस से आया। तो ये सारी जो स्टोरी है तुमको तो पता है, मोहित स्टोरी और सॉन्ग तो सुनाता ही है हर बार, लेकिन इस बार सिर्फ स्टोरी सुनाएगा, सॉन्ग नहीं। ये स्टोरी बड़ी अजीब सी है, बड़ी अलग सी है यार। तो अच्छा, मोहित गौड़ का ही कमेंट आया, मोहित गौड़ नाम का एक अपने फैमिली में मेंबर है, उनका ही कमेंट आया कि भाई बहुत दिन बाद आए, कहाँ पे थे ब्रो, कपकेक सॉन्ग सुनाओ ना भाई प्लीज। अरे मेरी जान मोहित भाई, मैं पक्का आपको गाने सुनाऊंगा, पर आज नहीं, सुपर संडे, हर हर संडे को अपन सुपर संडे विद एमजी करते हैं, तुम सबको पता है, तुम सबको पता है, नहीं पता तो मैं बताता हूँ कि हर हफ्ते, हर वीक अपन संडे को सुपर संडे विद एमजी करते हैं। उसमें मैं तुम्हारे सबके लिए गाने भी गाऊंगा, तुम सबके लिए डांस भी करूंगा, एंटरटेन भी करूंगा, हर चीज करूंगा। पर आज का जो लाइव वीडियो चैट जो आज मैं कर रहा हूँ अलग से एकदम, वो तुम सबको कुछ बताने के लिए है। और वो ये बताने के लिए है कि अपना जब पेज गायब हुआ था, डिसअपेयर हुआ था फेसबुक से 15 नवंबर को, तब मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था हुआ क्या है। मुझे लगा किसी ने हैक किया है, किसी ने क्या किया है, समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल। फेसबुक को मैंने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी अलग अलग सोर्सेज से, मेरे दोस्तों ने मेरी हेल्प करी, तो उनमें से एक बंदा है विशु, जिसका नाम है, जिसको मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ। अगर वो ये लाइव वीडियो देख रहे हैं तो विशु बहुत बहुत थैंक यू आपको, और अगर तुम सब जो भी देख रहे हो प्लीज़ विशु को ज़रूर थैंक करना। विशु वो बंदा है फेसबुक के में, वो वर्क करते हैं फेसबुक में, और विशु की वजह से अपना पेज वापस आया। और गया क्यों था मैं तुमको बताता हूँ मेरे बहुत अच्छा, अभी तक ना तुम सबको क्या लग रहा होगा कि फेसबुक पेज जो है मोहित का, सिर्फ मोहित मैनेज करता है और मोहित ही करता है सब कुछ, नहीं, मोहित की एक पूरी टीम है जिसमें बहुत ही प्यारे मेरे दोस्त हैं, इशिता, सलोमी, अर्चित भैया, चित्रांश, हम चारों पांचों की जो टीम है वो एक साथ वो मैनेज करती है पेज को। वो तुम सबके लिए पोस्ट डिज़ाइन करती है, वो तुम सबके लिए कमेंट्स करती है, वो तुम सबके लिए रिस्पॉन्ड देती है। तो ये हमारी पूरी टीम है जो हम एक साथ वर्क करते हैं। उनमें से सबसे स्पेशल मेरे लिए अर्चित भैया, सलोमी और इशिता इसलिए क्योंकि वो इस पेज की स्टार्टिंग से पेज के साथ में है। मतलब जब ये पेज सबसे पहले बना था 17 जुलाई 2014 को, तो तब से तो नहीं, लेकिन उसके बाद में जब पेज थोड़ा ग्रो हुआ उसके बाद से सबसे पहले मेरे साथ में इस पेज को मैनेज करने के लिए इशिता, सलोमी और अर्चित भैया ही आए थे। तो हम तीनों, हम सबकी मेहनत, तुम सबके प्यार से, तुम सबकी मेहनत से ये पेज बिल्ड हुआ धीरे धीरे। और कहाँ ये पेज सिर्फ मैं था, सिर्फ मोहित था ये पेज, और कहाँ ये पेज अभी 4,90,000 लोगों की फैमिली है जो कि तुम सब हो। तो तुम सब से ये पेज बनाए, तुम सब इस पेज का हिस्सा हो, तुम सब एक इस पेज से ज़्यादा एक फैमिली हो मेरे लिए, और अपन एक बहुत प्यारी फैमिली है। तो
तुम सबको ये बताना चाहता था मैं कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो हुआ ये था कि मेरा एक बहुत क्लोज दोस्त है जो इस पेज पर एडमिन भी था मेरे साथ में, जो मेरी हेल्प करता था पेज को मैनेज करने में। तो उसने मुझे एक बंदे का कांटेक्ट दिया, एक बंदे से मिलाया, और वो फेसबुक, उसने मुझे बताया कि वो फेसबुक में एडवर्टाइजमेंट करता है, फेसबुक के थ्रू ऑथराइज है, और उसके पास और भी पेजेस है जो मैनेज करता है जिनके लिए वो एडवर्टाइजमेंट करता है। तो वो उसने कहा कि उसने ऑफर किया कि है ना मैं सब पेजेस के लिए करता हूँ एडवर्टाइजमेंट, तो मैं आपके पेज के लिए भी करूँगा। तो मैंने कहा कि ठीक है ब्रो, अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ आइए पेज में, ज्वाइन हो जाइए और हेल्प कीजिए हमारी पेज को ग्रो करने में। तो फिर हुआ क्या उससे, अभी 2 दिन पहले मुझे फेसबुक की तरफ से विशु ने बताया कि जो वो नया बंदा अपन ने पेज में ऐड किया था अभी थोड़े टाइम पहले, 1-1.5 महीने पहले, वो बंदा मतलब फेसबुक की तरफ से मतलब डिफॉल्टर है। और अगर साफ शब्दों में कहो तो वो एक, जैसा विशु ने मुझे बोला कि वो एक ई क्रिमिनल है, मतलब उसने फेसबुक पे कुछ क्राइम्स किए हैं, फेसबुक पे कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें करी हैं जो लीगल नहीं है, जो फेसबुक के लिए और हम सबके लिए गलत हैं। तो इस वजह से उस बंदे का अकाउंट और उस बंदे से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स में वो एडिट था, वो सारे के सारे पेजेस बैन हो गए फेसबुक की तरफ से, या फेसबुक की तरफ से बंद हो गए। तो मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब उस वो बंदा जो इतना जेन्युइन लग रहा था और मेरा इतना ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट था जिसके थ्रू उस बंदे से मैं मिला, तो वो बंदा कैसे गलत हो सकता है, कैसे उसमें कुछ गलत हो सकता है कि पेज को ऐसा कुछ हो जाए। पर विशु ने मुझे कंफर्म किया ऐसा ही कुछ है, और फिर उसने मुझे कहा कि अब आपके पेज अगर वापस लाना है तो मुझे ही गारंटी लेनी पड़ेगी आपकी। तो मैंने कहा प्लीज़ ब्रो, आप कैसे भी करके पेज को यार वापस लाओ, क्योंकि ये पेज यार बताया यार कैसे, 2 साल लगे इस पेज को पूरा बनाने में, पूरा बिल्ड करने में। कितनी मेहनत मैंने, इशिता ने, सलोमी ने और अर्चित भैया, तुम सब ने, अपन सब ने साथ में मिलकर इस पेज पे क्या क्या नहीं किया है यार, कितना टाइम साथ में स्पेंड किया, ऐसे कैसे पेज को जाने देंगे यार। तो विशु से बहुत रिक्वेस्ट करी और विशु ने बहुत कोशिश करी फेसबुक में, तब जाकर अपना पेज वापस आया। इसलिए मैंने तुम सबको कहा शुरुआत में वीडियो के कि विशु को स्पेशल थैंक्स है मेरी तरफ से, और मैं चाहता हूँ अगर तुम सब भी ये देख रहे हो तो प्लीज़ विशु को बहुत बहुत थैंक यू कहना पड़ेगा अपन को, अपन सबको, क्योंकि उसकी वजह से पेज वापस आया है। तो हाँ, ऐसी बात थी, इस वजह से पेज गया और इस वजह से पेज वापस आया है, और अब कोई टेंशन नहीं है, बस अब अपना पेज वापस आ गया है। मुझे बहुत खुशी है, मैं बता नहीं सकता। जितना मुझे मैसेज करके सब लोग कह रहे थे कि है ना मोहित, मोहित तुम्हारा पेज नहीं दिख रहा है, मोहित तुम्हारा पेज को क्या हो गया है, उनको टेंशन थी उससे। मैं उनको समझा तो रहा था कि ठीक है आ जाएगा पेज, पर मैं खुद उनसे, शायद उनसे भी ज़्यादा टेंस था। मुझे पता है कि जो 1 वीक निकला है वो किस तरह से निकला है, मैं मतलब पूरा दिमाग के पुर्जे हिल गए थे, पूरा बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था मैं। पर अब सब ठीक है, सब एकदम कूल है, सब एकदम चिल, अपना पेज वापस आ गया है थैंक्स टू फेसबुक, थैंक्स टू विशु। और अब क्या, अब तुम सबको एक बात भी बतानी है, तो बात ये बतानी है। हाँ देखो, हिमांशी तलवार कह रही है थैंक यू सो मच विशु, पार्थ पटेल कह रहे हैं लव यू भैया, लव यू टू पार्थ, मोनी प्रकाश कह रही है थैंक यू विशु, ये बात तो विशु को थैंक्स करना तो बनता है भाई। तो विश्व जो फेसबुक से हैं उनको, अगर वो कभी भी वीडियो देखे या नहीं देखे कोई दिक्कत नहीं, हमने तो भाई हमारे दिल से बहुत थैंक यू बोला है आपको हमारी पेज की हेल्प करने के लिए, हमारी हेल्प करने के लिए। और अभी मस्त बात ये है, ठीक है, अच्छा इस टॉपिक को साइड में अगर रखें, क्योंकि टॉपिक तो अब रिजॉल्व हो गया है, अब पेज वापस आ गया है, अपन सब वापस से बात कर सकते हैं, वापस से वही सुपर संडे, वापस से वही मस्त मस्त पोस्ट, वापस से वही बहुत सारे सारे गाने जो तुम सबके लिए आने वाले हैं, जिन पर हम सब वर्क कर रहे हैं साथ में। तो अभी जो बढ़िया वाली बात वो है, जो है वो ये है कि आज मैं आया हूँ भीलवाड़ा। भीलवाड़ा राजस्थान में है, बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, और मेरी मॉम का बचपन भीलवाड़ा, शाहपुरा और उदयपुर, इन 3 सिटीज़ में बीता है। तो एक तरह से मेरी मम्मी का फैमिली होम टाउन कह लो इस जगह को। तो यहाँ मेरे बहुत सारे मतलब फैमिली मेम्बर्स भी हैं, रिलेटिव्स भी रहते हैं यहाँ पे। भीलवाड़ा में एक शो है और एक स्टोर की एक ओपनिंग है, बहुत ग्रैंड ओपनिंग है, और यहाँ पे मैं और मेरा पूरा बैंड आया परफॉर्म करने के लिए। आज शाम को 7 बजे से परफॉर्मेंस चालू है, 7 या 8 बजे से अराउंड फैशन शो है और परफॉर्मेंस है। तो वो फैशन शो में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या यार, देखो शक्ल देखो, इस शक्ल के साथ में मैं कैसे फैशन शो कर सकता हूँ, बस गाने गा सकता हूँ, तो मैं गाने गाता हूँ, बढ़िया कोशिश करता हूँ। तो जी आज अपना शो है भीलवाड़ा में, तो
तो अगर कोई भी देख रहा है बंदा, कोई भी दोस्त है अपना जो भीलवाड़ा में रहता है, भीलवाड़ा के आसपास रहता है राजस्थान में, तो प्लीज उस शो में आओ, मिलते हैं, मस्ती करते हैं, गाने गाते हैं। और आज मैं कोशिश भी करूंगा कुछ एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ करने की। मैं नहीं बताऊंगा वो इंटरेस्टिंग सी चीज़ क्या है जो मैं शो में करने वाला हूं, मैं वो पहले करके देखूंगा। अगर होती है पहले ही से कह दिया और फिर बाद में हुआ नहीं तो पचका हो जाएगा ना मेरी बात का, तो वो मैं चाहता नहीं हूं। तो अभी आज शो जान दो, शो में कुछ एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ आज मैं करने वाला हूँ। अगर वो हो गया ना जैसा मैंने सोचा है तो मतलब वो इतना ब्यूटीफुल दिखने वाला है ना, मतलब तुम सबको देख कर मज़ा आ जाएगा। तो अभी शो की प्रिपरेशन चलने वाली है, बैंड प्रैक्टिस हो चुकी है ऑलरेडी, आज साउंड चेक है थोड़ी देर में। अभी क्या है, मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ तो थोड़ा सा सोऊंगा, गले को भी रेस्ट दूंगा, कल बहुत प्रैक्टिस करी है और अभी थोड़ा सा स्ट्रेंड है क्योंकि सो नहीं पाया। अरे यार, 5 बजे की सुबह की 5 बजे की फ्लाइट थी, बताओ 3 बजे उठना पड़ा, रात के 3 बजे उठना पड़ा, 4 बजे एयरपोर्ट पहुंचना पड़ा और फिर आ गया मैं तो यहाँ पे ट्रैवल करता करता, और इसलिए सो भी नहीं पाया हूँ। और कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो होता रहता है शो में, तो यही होता है, मस्त ट्रैवल करते हैं हम, कोई टेंशन वेंशन वाली बात नहीं है। तो हमारी मतलब ये तो हमारी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है ये, शो के लिए अलग अलग जगह पर ट्रैवल करते हैं। अभी जैसे आज मेरा भीलवाड़ा राजस्थान में शो है, तो अभी परसों मतलब कल तो मैं मुंबई जा रहा हूँ और परसों नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे 24 नवंबर को मैं जा रहा हूँ सिक्किम। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में ना मैं बहुत कम बार गया हूँ, मेरी हमेशा इससे इच्छा थी नॉर्थ ईस्ट को देखने की, क्योंकि मैं बहुत बचपन से बहुत एडमायर करता हूँ, क्लास की बुक्स में पढ़ा था नॉर्थ ईस्ट के बारे में, मेघालय के बारे में। तो आज उनमें से एक सिटी है सिक्किम, वहाँ पर मेरी परफॉर्मेंस है 24 नवंबर को, अभी मतलब एक दिन बाद में ही, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे 24 नवंबर को, क्या कहते हैं परसों कहते हैं उसको। तो मस्त सिक्किम में मैं जा रहा हूँ पहली बार लाइफ में और बड़ा मजा आने वाला है। मेरे को पहले ही बता दिया वहाँ पे बहुत ठंड है, ठंड तो है भीलवाड़ा राजस्थान में भी है, मुंबई से तो कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ठंड है यार यहाँ पे, और सिक्किम में बहुत बढ़िया ठंड होने वाली है, बढ़िया लोग मिलेंगे। मैं तो पहली बार जा रहा हूँ सिक्किम में, तो बहुत एक्साइटमेंट है यार। मेरे को नॉर्थ ईस्ट बहुत पसंद है, नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत पसंद है और बहुत मज़ा आने वाला है वहाँ के में गिग करने में। तो लेट्स सी क्या होता है। और अभी हम अब मैं तुम सबके कमेंट्स पढ़ूंगा यार, इतनी देर से मैं ही बोले जा रहा हूँ, तुम सबकी बातें ही नहीं पढ़ पाए पता है बोलते बोलते। तो चमन सोनी कह रहे हैं टुडे इज माय बर्थडे प्लीज विश मी। तो चमन सोनी, आपको सिर्फ मेरी तरफ से नहीं हमारी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी बर्थडे। हिमांशी तलवार कह रहे हैं दिल्ली भी आओ कभी मोहित। अरे हिमांशी बिल्कुल दिल्ली भी आओ कभी, क्या 24th को मेरा शो है यहाँ पे सिलीगुड़ी में, और 25th को ही मैं दिल्ली आ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे एकदम जिगर के टुकड़े मिहिर भैया जिनकी शादी है 25th नवंबर को, तो उनकी शादी अटेंड करने में दिल्ली आ रहा हूँ 25th नवंबर को, डायरेक्ट शो के बाद से सिलीगुड़ी से डायरेक्ट दिल्ली। स्वाति राणा कह रही ऑल द बेस्ट मोहित मिस यू। अरे स्वाति आई मिस्ड यू ऑल टू यार, अच्छा लग रहा है अभी वापस से पेज अपना वापस आ गया है, तुम सबसे बातें कर सकता हूँ, जो चाहे कह सकता हूँ, जो चाहे बोल सकता हूँ, और तुम भी सेम टू सेम है जी अपना रिश्ता। तो श्रुति शाह कह रही है कोलकाता आ जाओ सर। श्रुति शाह, मैं अभी थोड़े टाइम पहले कोलकाता आया था अक्टूबर में ही, देखता हूँ जल्दी वापस से आऊँगा तो अपन ज़रूर मिलेंगे। दर्शिता रावल कह रही है हेलो मेगा टंडन, कह रही है ऑल द बेस्ट जस्ट टेक केयर। बिल्कुल मेगा। और चित्रा एगी कह रही है ऑल द बेस्ट टेक केयर। आवेज खान कह रही है आई लव योर सॉन्ग फिर मुझे दिल से पुकार तू, प्लीज सिंग इट फॉर वंस प्लीज प्लीज प्लीज। तो आवेज खान ठीक है, देखो मेरा गला ना अभी बहुत थका हुआ है क्योंकि मैं रेस्ट नहीं किया और ट्रैवल कर रहा हूँ सुबह से, कल रात से ही मतलब आज रात से ही, लेकिन फिर भी मैं क्योंकि आवेज खान ने इतनी प्यार से रिक्वेस्ट किया है, उन्होंने बोला आई लव योर सॉन्ग फिर मुझे दिल से पुकार तू प्लीज सिंग इट फॉर वंस प्लीज 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 प्लीज, तो इतनी प्यार से रिक्वेस्ट करी है। तो आवेज खान और तुम सबके लिए थोड़ा सा मैं गाऊंगा फिर मुझे दिल से पुकार दू, ठीक है। फिर मुझे दिल से पुकार तू, कह दे मेरा एक बार तू, तेरे जैसा मैं बन जाऊंगा, हौले हौले थोड़ा सा सुधार तू। फिर मुझे दिल से पुकार तू, कह दे मेरा एक बार तू, तेरे जैसा मैं बन जाऊंगा, हौले हौले थोड़ा सा सुधार तू। सॉरी ना, गला एकदम गया हुआ है अभी, तो अब मैं रेस्ट करने जाऊंगा अच्छे से रेस्ट करूंगा, अभी शाम को बढ़िया सा शो करूंगा तुम सबके लिए, बढ़िया सा वो जो मैंने सोचा है कॉन्सेप्ट, वो वीडियो बना, अगर बन गया तो फिर तुम सबको दिखाऊंगा और तुम सबको बहुत पसंद आने वाला है, पहले कह दिया मैंने,
मतलब इस बार मुझे तुम सबकी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि तुमको पसंद आएगा नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता है तुम सबको पसंद आएगा ही आएगा अगर वो हो गया तो। अब वो चीज़ क्या है वो आज थोड़ा सा वेट करो, आज मैं करूँगा वो चीज़, अगर हो जाती है सक्सेसफुली तो आज अपलोड करूंगा, नहीं तो कल सुबह अपलोड करूंगा। नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट शो में ट्राई करूंगा। 24th को ये अपना शो नेक्स्ट सिलीगुड़ी, मतलब सिलीगुड़ी से सिक्किम जाना है तो सिक्किम में ये 24th को वहाँ ट्राई करूंगा, कहीं ना कहीं तो वो लगेगा और जब वो बनेगा तो बड़ा कूल बनेगा, मैं तुम सबको दिखाऊंगा। तो चलो अभी मैं रेस्ट करने जाता हूँ। तुम सब इस टाइम पे भी लाइव आए तो मुझे इस बात की बहुत बहुत खुशी है, और जो भी लोग इस वीडियो को बाद में देखेंगे उन सब के लिए मैंने ये वीडियो बनाया तुम सबको बताने के लिए कि पेज को क्या हुआ था और कैसे अब ठीक हो गया थैंक्स टू विशु। और आज अपना शो है भीलवाड़ राजस्थान में, और आज मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ करने वाला हूँ, और नेक्स्ट शो अपना सिलीगुड़ी में 24th को, और 25th को मैं जा रहा हूँ दिल्ली मिहिर भैया की शादी अटेंड करने के लिए। तो ये थी आज की अपने वीडियो की समरी, जिसने देख लिया उसको तो पता है, जिसने नहीं देखा उसके लिए और थैंक यू सो मच। और तुम सब ना बढ़िया से ध्यान रखना, फिर से मिलते हैं संडे को, तो हर संडे को तो मिलेंगे, हर दिन पोस्ट तो करूंगा ही मैं, और हर संडे को सुपर संडे विद एमजी में आना मत भूलना, ठीक है? इस बार के सुपर संडा, सुपर संडा क्या बोल रहा हूँ, सुपर सुपर संडे, तो इस बार का सुपर संडे मिस हो गया कि अपना पेज मिसिंग था, अभी पेज वापस आ गया, तो इस बार का सुपर संडे जरूर होगा। तब तक ले टेक केयर, और जाने से पहले क्या होता है तुम सबको पता है, मैं बोलता हूँ आई लव यू और तुम सब बोलते हो आई लव यू टू। जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ कि जाने से पहले हर बार मोहित बोलता है आई लव यू, और हर बार तुम सबको बोलना ही पड़ेगा जबरदस्ती आई लव यू टू मोहित। तो एक बार आई लव यू टू बोल दो फिर मैं आराम से चला जाता हूँ। तो सबके आई लव यू टू का वेट कर रहा हूँ मैं, तुम सबके आई लव यू टू का वेट कर रहा हूँ मैं। निशु शर्मा कह रही है बाय टेक केयर, चमन सोनी कह रहे हैं लव यू टू मोहित, चित्रांश भाई कह रहे हैं लव यू टू ये चित्रांश, और समर दुबे कह रहे हैं मोहित यू डोंट रिप्लाई मी। अरे यार देखो समर तभी कर दिया मैंने, और अंजलि यादव कह रही लव यू अलॉट, स्निग्धा आफरीन कह रही है आई लव यू टू, सोहिनी साहा कह रही है आई लव यू टू मोहित, हिमांशी तलवर कह रही है बाय मोहित लव यू टू। हाँ यही तो मैं सुनना चाहता था। तो बस श्रुति शाह कह रही है आई लव यू टू, तो इतने सारे आई लव यू टू मिल गए। आशा वासनी कह रही है लव यू टू, आई लव यू ऑल टू। तो अब तुम सब ध्यान रखो अपना पेज वापस आ गया है, मस्त पार्टी वार्टी करो जहाँ भी हो तुम। आज मेरी पार्टी होने वाली है यहाँ पर भीलवाड़ा में शो में, लेट्स सी क्या होता है, बहुत मजे करने वाले हैं। अभी फिलहाल मैं रेस्ट करता हूँ, तुम सब जो तुम्हारी इच्छा है वो करो, और पार्टी तो जरूर करना क्योंकि अपना पेज वापस आ गया है। बाय बाय, टेक केयर।